का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब तक कई लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वहीं अब हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर दी है। आपको बता दें, प्रणब मुखर्जी ने ट्वीट में लिखा कि इस अस्पताल की यात्रा एक प्रक्रिया के लिए मैं कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया हूँ। पिछले एक हफ्ते में जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो सभी टेस्ट करवाएं और आइसोलेट हो जाएं। जानकारी के मुताबिक प्रणब मुखर्जी की उम्र 84 साल है, ऐसे में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया है। ये 2012 से 2017 के बीच देश के राष्ट्रपति रहे, साथ ही उन्हें साल 2019 में केंद्र सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया था। गौरतलब है कि पूरी दुनिया भर में कोरोना का कहर बड़ी ही तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अब तक कई बड़े बड़े नेता और दिग्गज लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। वहीं पिछले दिनों अमित शाह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद अब उनका स्वास्थ्य पहले से बेहतर है। उन्हें इस वायरस का एक भी लक्षण नहीं दिखा, लेकिन उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। आप देख रहे हैं घमासान.com। और भी न्यूज अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।